भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म नागदेव सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इसके अलावा खेसारी लाल अभी अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे, कई सारे एल्बम भी किए, कई सारे स्टेज शो भी किए। इसी बीच आ गई है एक और खुशखबरी, और वो खुशखबरी जुड़ी है खेसारी लाल की नई नवेली फिल्म कूली नंबर 1 से, जिसकी चर्चाएं शूटिंग शुरू होने से पहले ही काफी ज्यादा है। फिल्म का मुहूर्त कुछ दिनों पहले ही पूरा कर लिया गया था। इस फिल्म के निर्माता लाल बाबू पंडित है। आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले भी मैं सारा बांध के आऊंगा के अलावा कई सारी फिल्में वो कर चुके हैं खेसारी के साथ, और अब वो करने जा रहे हैं कूली नंबर 1, जिसकी तैयारियां, गाने और राइटिंग सब कुछ खेसारी के देखरेख में हुआ है। इस फिल्म को लेकर कई बार खेसारी के घर पर मीटिंग भी होती देखी गई है, लेकिन फाइनली मीटिंग का असर अब दिख चुका है और फिल्म की शूटिंग आज से रांची में शुरू कर दी गई है। फिल्म की शूटिंग को शुरू करने से पहले फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू पंडित ने की है सेट पर ही पूजा अर्चना और भगवान से लिया है अपनी फिल्म को सफल पूर्वक पूरे करने का आशीर्वाद। वैसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि खेसारी लाल बाकी फिल्मों की तरह ही और बाकी फिल्म मेकर्स का दिल जीतने की तरह ही लाल बाबू पंडित का दिल जीत पाते हैं या नहीं, और अपने इस फिल्म से कौन सा मैसेज वो दर्शकों को देंगे, क्योंकि सुनने में आया था ये फिल्म अनाथ बच्चों की कहानी पर बनाई जा रही है। तो देखना ऐसे में दिलचस्प होने वाला है कि अनाथ बच्चों पर बनी खेसारी की फिल्म कूली नंबर 1 में क्या कुछ खास होने वाला है। इससे पहले भी संघर्ष जैसी सुपरहिट फिल्म देकर खेसारी समाज को एक संदेश दे चुके हैं। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।